अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, मर्द की ताकत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आज हमारी बताई हुई एक चीज़ ये इस्तेमाल करनी शुरू कर दे तो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी ताकत ख़त्म हो गई है। तो हमारी जो ताकत ख़त्म होने से मुराद यही है कि उनकी मनी के अखराज से नहीं होता और वो कामयाब हम बिस्तरी नहीं कर पाते और वो अपनी बीवी से जो है वो नाखुशी का जो है वो इजहार करते हैं और उनकी बीवी उनसे इजहार करती है कि मैं आपसे नाखुश हूँ। क्योंकि हमेशा कामयाब हम बिस्तरी करने से औरत बहुत ज़्यादा खुश रहती है और आपकी जो तवाजी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशियों से गुजरती है। कुछ बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलना उठना बैठना फिर इंसान को आसानी रहती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, मर्द की ताकत कभी भी ख़त्म ना हो, ऐसा एक नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ। नुस्खे से मुराद ये है कि आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि हमेशा इंसान अपने जहन को बाहरली औरतों के साथ या किसी भी, अक्सर जो लोग होते हैं वो बुरके के अंदर चलती औरतों को स्कैन कर रहे होते हैं कि इसकी पिछवाड़ा ऐसा होगा, इसकी छाती ऐसी होगी। अक्सर लोग जो है वो अपने जहन के ऊपर काबू नहीं कर पाते और वो सीधा डायरेक्ट जो है नफ्स के ऊपर आपका वो एक झंझनाहट सी होती है। तो फिर ये नफ्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इन चीज़ों का, तो फिर इंसान की जो नफ्स की कमज़ोरी है वो बननी शुरू हो जाती है। ये आप कभी महसूस किया करें तो मशवरा यही है कि बस आप लोग अपने नफ्स पर काबू रखें, आपकी जो मर्दाना ताकत है, मर्दाना कमज़ोरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मर्दाना ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये आपको मशवरा है, एक बार आजमा के देखें, इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।